हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट टू, यानी कि पीओ गाइड पार्ट टू हम लोग कर रहे हैं। और इससे पहले पीओ गाइड पार्ट टू पर एक वीडियो और आ चुकी थी जिसे पार्ट वन के रूप में हम लोगों ने कवर किया था, और ये है पार्ट टू। और पार्ट वन में हम लोगों ने 2019 और 2020 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया था, और आज की इस वीडियो में ओनली 2020 के जो एग्ज़ाम हुए थे, पीए का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न बन रहे थे उनको हम लोगों ने कवर किया है। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड थे उनको स्किप कर दिया है, और आज की जो क्लास है वो पीए एग्ज़ाम स्पेशल क्लास है। तो आज के क्वेश्चंस को करते हैं, और आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 से 1 से 30 तक पार्ट वन में कवर कर चुके हैं, और 31 से आगे तक पार्ट टू में। और आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज परमिसिबल फॉर एन एरोग्राम, यानी कि अगर किसी एरोग्राम को भेजना है तो उसके मैक्सिमम साइज का कितनी परमिशन है, यानी कि साइज पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने साइज का एक एरोग्राम हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो लिमिट है वो है 100 × 220 mm, यानी कि 100 × 220 mm लंबाई और चौड़ाई का जो साइज़ है वो 100 × 220 mm होना चाहिए, और ये मैक्सिमम साइज परमिशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज डे रिसेप्शन, यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है और इसे हम लोग प्रोनंसिएशन करके देखते हैं, तो इंग्लिश में थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं, एवेज डी रिसेप्शन, और ये इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। और इसका जो इंग्लिश का जो अर्थ है, यानी कि इंग्लिश इसका जो वर्जन है, इंग्लिश का जो मीनिंग होगा इस पर्टिकुलर शब्द का, वो होगा एडवाइस ऑफ डिलीवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और आपको फ्रेंच लैंग्वेज के दो चार शब्द जैसे कि पेरेवियन, एवेज डी रिसेप्शन, और भी जो शब्द है वो आपको देखने को मिलेंगे। और लास्ट ईयर के जो 2020 के एग्ज़ाम हुए थे उसमें कई बार ऐसे प्रश्न पूछे भी गए थे, लगभग 8 से 10 जो सर्कल्स हैं उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया था। तो पेरेवियन को हम लोग कवर कर चुके हैं, पेरेवियन का मतलब होता है बाई एयर मेल, और एवरेज डी रिसेप्शन का मतलब होगा एडवाइस ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच एन इंटरनेशनल आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड इन इंडिया, यानी कि अगर किसी इंटरनेशनल आर्टिकल को हमें इंडिया में इंश्योर करना हो तो मैक्सिमम उसकी क्या लिमिट है, यानी कि कितने अमाउंट तक का हम लोग इंडिया में एक इंटरनेशनल आर्टिकल इंश्योर कर सकते हैं जिसे फॉरेन कंट्रीज के लिए जाना होगा। तो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की सीमा है, 10,000 रुपये तक का हम लोग किसी भी इंटरनेशनल आर्टिकल को इंश्योर करके इंडिया में बाहर के लिए भेज सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये भी फ्रेंच का वर्ड है और इसको कोशिश कर रहा हूँ, नी पैस नेक्स्ट पीडर इन केस ऑफ अ फॉरेन पार्सल, यानी कि आपको शब्द लिखा हुआ मिलेगा और इसका इंग्लिश मीनिंग आपसे पूछा जाएगा, और ये फॉरेन पार्सल से संबंधित है ये शब्द। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डू नॉट रीडायरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, डू नॉट रीडायरेक्ट इस पर्टिकुलर फ्रेंच वर्ड का इंग्लिश मीनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल इन फॉरेन पोस्ट, यानी कि अगर कोई लेटर मेल का या पार्सल मेल का कोई फॉरेन पोस्ट से संबंधित कोई आर्टिकल है उससे संबंधित हमें कोई कंप्लेंट्स दर्ज करानी हो या कोई इंक्वायरी करनी हो उस पर्टिकुलर लेटर मेल या पार्सल मेल के बारे में, या उससे संबंधित कोई कंप्लेंट्स करनी हो, तो कब तक हम लोग, यानी कि उसकी समय सीमा क्या है कि आज हम लोगों ने बुकिंग किया तो इसके कितने समय बाद तक हम लोग इसकी इंक्वायरी या कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टाइम बाउंडेशन है वो है 1 साल का, यानी कि बुकिंग के 1 साल बाद तक हम लोग इसकी कंप्लेंट्स या इंक्वायरी किसी भी लेटर मेल या पार्सल मेल के बारे में हम लोग कर सकते हैं, और वो संबंधित होना चाहिए फॉरेन पोस्ट से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में है कि कंट्रोलर ऑफ फॉरेन मेल्स इज लोकेटेड इन, यानी कि फॉरेन मेल्स के लिए जो कंट्रोलर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में है कि व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर बल्क बैग टू फॉरेन कंट्रीज, यानी कि अगर किसी बल्क बैग को फॉरेन कंट्रीज के लिए जाना हो तो उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, यानी कि रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है बल्क बैग के केस में अगर उसे फॉरेन कंट्रीज के लिए जाना होगा, तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो है 350 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 350 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं किसी भी बल्क बैग को अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज के लिए भेजते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि सेक्शन ऑफ पीओ गाइड पार्ट टू डीलिंग विद कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम, बेसिकली ये पूछा गया है कि पीओ गाइड पार्ट टू है उसका कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है, किसे डील करता है, कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम। बेसिकली आप पीओ गाइड पार्ट टू को शायद 14, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो टोटल 14 उसको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, और 14 जो सेक्शंस हैं उनमें से ये पूछा गया है कि ये जो पर्टिकुलर नाम है किसी सेक्शन का वो कौन से सेक्शन का नाम है, तो ये पीओ गाइड पार्ट टू का जो सेक्शन नंबर 3 है उसका नाम है कंडीशन रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस फॉर लेटर पोस्ट आइटम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और किस सेक्शन में कितने क्लॉजेज हैं या कितने रूल्स हैं या किस सेक्शन का क्या नाम है, तो इससे संबंधित एक जो पर्टिकुलर वीडियो है हम लोग जब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराएंगे, अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, जब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करेंगे या इम्पोर्टेंट रूल्स को या क्लॉजेस को हम लोग कवर करेंगे तब इससे संबंधित एक स्पेशल वीडियो बना देंगे पीओ गाइड पार्ट टू से कि किस सेक्शन का नाम क्या है या किस जो नाम है पर्टिकुलर सेक्शन का नाम वो किस सेक्शन से रिलेट करता है, यानी कि दोनों तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, पूछ सकते हैं सेक्शन 3 का नाम क्या है या जो नाम है ये किस सेक्शन का नाम है, ये इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो दोनों को बनाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल इस प्रश्न के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 3 का नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि सी डॉट ए डॉट पी बेसिकली एक बार में कहें तो कैप किस की तरफ इशारा करता है या ये क्या इंडिकेट करता है, तो सी ए पी का पूरा नाम है कंटेनिंग एयर पार्सल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, कंटेनिंग एयर पार्सल। और ये जो प्रश्न है सी ए पी वाला ये 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में व्हाट इज द लेट फी फॉर फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल, व्हाट इज द लेट फी फॉर फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल, अगर कोई विदेश के लिए रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा जाता है और उस पर जो लेट फीस के चार्जेस हैं वो क्या है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 रुपये पर आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल पर लेट फीस 2 रुपये लगती है, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 2 रुपये पर आर्टिकल कहीं पर नहीं दिया हुआ। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो बेसिकली इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर सर्च करने से पर भी नहीं मिल रहा, और इसका जो सही आंसर है वो हम लोगों ने लिया है महाराष्ट्र सर्कल है उसकी एक वेबसाइट है महाराष्ट्र सर्कल के नाम से, वहाँ से हम लोगों ने इस प्रश्न का आंसर सर्च किया है और वहाँ से इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश की है, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर 2 रुपये पर आर्टिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट लेट फीस से संबंधित फॉरन रजिस्टर्ड आर्टिकल के केस में अगर इसका आंसर अपडेट होता हुआ अगर हमें मिलेगा कहीं पर तो इसकी सूचना भी हम लोग अलग से दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूपीयू इज लोकेटेड इन, यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो यूपीयू का जो हेडक्वार्टर है वो बर्न स्विट्जरलैंड में स्टेट है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बर्न चूंकि स्विट्जरलैंड में स्थित है वहां पर यूपीयू का हेडक्वार्टर लोकेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया व्हाट इज द इंक्वायरी फी फॉर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग फॉरन रजिस्टर लेटर विद एडवाइस ऑफ डिलीवरी। बेसिकली पूछा गया है कि अगर कोई इंक्वायरी करना चाहता है कंप्लेंट्स के केस में, कंप्लेंट्स किससे संबंधित है, फॉरन रजिस्टर लेटर के संबंध में और विद एडवाइस ऑफ डिलीवरी यानी कि एडी के साथ में, तो पूछा गया है कि इंक्वायरी फी क्या रहेगी उस केस में। तो पीओ गाइड पार्ट टू में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंक्वायरी फी फॉर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग फॉरन लेटर विद एडवाइस ऑफ डिलीवरी प्रिस्क्राइब्ड फी शुड बी पे, यानी कि उसमें कहीं भी उसमें चार्जेस नहीं दिए हुए हैं कि इतनी फीस पर्टिकुलर लगेगी। उसमें लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब्ड फीस शुड बी पेड, यानी कि जो निश्चित फीस है वही आपको पे करनी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया द करस्पॉन्डिंग इनलैंड पोस्ट सर्विस टू द प्रिंटेड पेपर सर्विस इन द फॉरन पोस्ट इज। बेसिकली पूछा गया है कि इनलैंड पोस्ट की जो सेवा है, इनलैंड पोस्ट की जो सर्विस है, वहां पर ऐसी कौन सी सेवा है जो कि समानांतर है, यानी कि सेम है, किसके सेम है, जो कि प्रिंटेड पेपर सर्विस जो कि फॉरेन पोस्ट के मामले में दी जाती है। बेसिकली ये है कि फॉरेन पोस्ट में हम लोग देते हैं प्रिंटेड पेपर की सर्विस, तो इनलैंड पोस्ट सर्विस में हम लोग किस सेवा को देते हैं ये पूछा गया है, और ये दोनों जो सेवा है वो लगभग समान ही है। तो इनलैंड पोस्ट सर्विस में जब हम लोग बुक पैकेट की जो सर्विस है उसको देते हैं वो लगभग समान है, एग्जैक्ट समान नहीं है लेकिन लगभग उसके रूल से समान है, जो कि फॉरेन पोस्ट के मामले में प्रिंटेड पेपर सर्विस दी जाती है उसके मामले में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इनलैंड पोस्ट सर्विस में बुक पैकेट की सर्विस और फॉरेन पोस्ट के मामले में प्रिंटेड पेपर की सर्विस के रूल लगभग एक जैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में है कि द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयर मेल लेटर शुड नॉट एक्सीड, यानी कि जो एयर मेल का जो लेटर है उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है। तो उस केस में 2 किलोग्राम से ज़्यादा का एयर मेल लेटर हमें सेंड नहीं कर सकते, यानी कि मैक्सिमम वेट की जो लिमिट है एयर मेल लेटर के केस में वो है 2 किलो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि व्हेन एन इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल इज रीडायरेक्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर, यानी कि अगर कोई इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल है और उसे एक देश से दूसरे देश में उसे रीडायरेक्ट किया जाता है, एक देश से दूसरे देश में उसे रीडायरेक्ट किया जाता है, तो उस केस में क्या लिखा हुआ है। तो उस केस में लिखा हुआ है कि अ फ्रेश इंश्योरेंस फी बिकेम पेएबल फॉर ईच सच ट्रांसमिशन, यानी कि अगर रीडायरेक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होता है तो जो इंश्योरेंस की फीस है वो दोबारा से पे करनी होती है। अगर किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी भी फॉरेन का जो पार्सल है, इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल है, वो रीडायरेक्ट होता है, तो उस केस में फ्रेश इंश्योरेंस फी पे करनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि इफ एन अनपेड एंड अंडरपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल अंडर फॉरेन पोस्ट इज टेंडर्ड एट द काउंटर, यानी कि अगर कोई बिना भुगतान वाला या कम भुगतान वाला रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉरेन पोस्ट के मामले में अगर किसी भी काउंटर पर, यानी कि पोस्ट ऑफिस के किसी भी काउंटर पर दिया जाता है तो उसके साथ में क्या किया जाता है। तो ऐसे आर्टिकल्स को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है। तो अनपेड एंड अंडरपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल कैन नॉट बी रजिस्टर्ड, ऐसा पीओ गाइड पार्ट टू में लिखा हुआ है, और लेकिन वहां पर एक जो शब्द है ना रिफ्यूज्ड वो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस लिहाज से गलत हो जाता है। और ऑप्शन नंबर बी में इट कैन बी रजिस्टर्ड विद एन नोट दैट द डिफिशियंसी वुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द एड्रेसी, ये बी पीओ गाइड पार्ट टू में भी नहीं लिखा हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी में है कि इसे पोस्ट मास्टर के लिए हैंड ओवर कर दो फॉर डिस्पोजल, ऐसा भी पीओ गाइड पार्ट टू में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पीओ गाइड पार्ट टू में इतना लिखा हुआ है कि इफ एन अनपेड एंड अंडरपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर रजिस्टर्ड के लिए होने के लिए आता है तो उस केस में उसे हम लोग रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, यानी कि फुली प्रीपेड जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे फॉरेन पोस्ट के मामले में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रजिस्टर्ड किया जाएगा, यानी कि पूरा भुगतान होना चाहिए किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल को फॉरेन पोस्ट के मामले में सेंड करना है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है, बी और सी का जिक्र पीओ गाइड पार्ट टू में नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पर यह शब्द नहीं होता एंड रिफ्यूज्ड तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में कि मैक्सिमम कंपनसेशन एडमिसिबल फॉर लॉस ऑफ फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल 8, मैक्सिमम कितनी क्षतिपूर्ति दी जाती है अगर कोई फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल खो जाता है, तो उस केस में 30 SDR पे किए जाते हैं एज ए कंपनसेशन। मैक्सिमम कंपनसेशन 130 SDR ही एडमिसिबल है फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल के केस में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। वही 150 SDR जो कंपनसेशन है वो है एमबैग अगर खो जाता है तो उस केस में, एमबैग अगर खो जाता है तो उस केस में 150 SDR एज ए कंपनसेशन पेड किए जाते हैं। और आज के जो डेट है यानी कि 2021 है, उसमें 1 SDR की जो लगभग वैल्यू है, 1 SDR की जो लगभग वैल्यू है वो है 101 रुपये, इससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि 1 SDR बराबर 101 रुपये में लगभग इतना है, अप्रोक्सीमेटली इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में है कि डिस्पैच नोट फॉर ईच पार्सल इज प्रिपेयर्ड इन, यानी कि जो डिस्पैच नोट है प्रत्येक फॉरन पार्सल के केस में वो किस फॉर्म में उसे प्रिपेयर किया जाता है, उसे किस फॉर्म में उसे बनाया जाता है। तो डिस्पैच नोट को प्रत्येक पार्सल के साथ में फॉर्म नंबर CP2, फॉर्म नंबर CP2 के नाम से फॉर्म मिलता है, CP2 के नाम से उसे डिस्पैच नोट के रूप में प्रत्येक पार्सल के साथ में भेजते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। डिस्पैच नोट फॉर ईच पार्सल प्रिपेयर्ड इन फॉर्म नंबर CP2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में है कि व्हाट इज द SDR स्टैंड्स फॉर, SDR की फुल फॉर्म क्या है। तो SDR की फुल फॉर्म आप सब लोग अभी तक जान चुके होंगे, तो इसके लिए SDR की फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में है कि द मैक्सिमम वेट फॉर फॉरन पार्सल इज, मैक्सिमम वेट फॉर फॉरन पार्सल इज, अगर कोई फॉरन पार्सल भेजना है तो उस केस में मैक्सिमम वजन सीमा कितनी है। तो अधिकतम वजन सीमा है वो है 20 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न में सही आंसर। कई कंट्रीज के लिए, मैनी कंट्रीज के लिए 10 kg मैक्सिमम वेट लिमिट है और कुछ एक के लिए इससे ज़्यादा है, लेकिन 20 किलोग्राम से ज़्यादा किसी भी कंट्रीज के लिए फॉरन पार्सल नहीं भेज सकते हैं, तो मैक्सिमम वेट लिमिट हो जाता है 20 kg। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस लिहाज से सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ UPU इज लोकेटेड एट, प्रश्न फिर से सेम है लेकिन उसको पूछा दूसरे तरीके से गया है। तो हमें याद रखना है कि UPU के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बंड में है, वो कहाँ पर स्थित है, वो है बंड में, और बंड कहाँ पर स्थित है, तो बंड है स्विट्जरलैंड का एक जगह है बंड, इनके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है कि मैक्सिमम वेट फॉर EMS इज, इनके इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट को दूसरे शब्दों में EMS कहते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के लिए मैक्सिमम वेट की जो लिमिट थी वो थी 35 kg, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चंस को कई तरीके से पूछा गया है लेकिन आंसर उसके सेम है, तो क्वेश्चंस किस तरीके से बन रहे हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं इसको हमें अभी याद रखना है कि EMS को इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट ही कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट BLP, यानी कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के केस में इनमें से कौन कौन से कथन सही है या कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए में है कि फ्री रजिस्ट्रेशन फी एंड एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फी है और जो एक्नॉलेजमेंट की फी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। BLP के केस में अगर उसे एयरलिफ्ट कराना हो, कस्टमर अगर चाहता है कि उसे बाई एयर उसके BLP को भेजा जाए, तो उसके लिए उन्हें पे करना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इफ़ एयरलिफ्ट इज रिक्वायर्ड कस्टमर हैज टू पे एयर सरचार्ज, यानी कि उन्हें हवाई चार्जेस हैं वो देने होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में है कि मैक्सिमम वेट इज 7 kg, मैक्सिमम वेट लिमिट होता है इसके लिए 7 kg, तो ऑप्शन नंबर ए बी और सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ एपीपीयू इज लोकेटेड एट, इसको भी थोड़ा सा अलग तरीके से ऑप्शन थे इसके भी, इसको भी शामिल किया गया। तो एपीपीयू यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो उसके हेडक्वार्टर स्थित हैं मनीला में, और मनीला कहाँ पर है, मनीला है फिलीपींस में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो आपको ऑप्शन में मनीला भी आ सकता है और फिलीपींस भी आ सकता है, और यूपीयू के केस में आपको बर्न भी पूछ सकता है और वो स्विट्जरलैंड भी पूछ सकता है, तो दोनों को हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि इनवर्ड फॉरन पार्सल एड्रेस पोस्ट रेस्टेंट आर डिटेन इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग, यानी कि इनवर्ड फॉरन पार्सल है जो कि एड्रेस है कहाँ के लिए, पोस्ट रेस्टेंट के लिए, तो इन्हें ऑफिस ऑफ डिलीवरी वहाँ पर, कहाँ पर, जो ऑफिस ऑफ डिलीवरी है यानी कि जो वितरण डाकघर है उस वहाँ पर उसे कितने दिनों तक मैक्सिमम उसे रख सकते हैं, यानी कि बेसिकली पूछा गया है कि इनवर्ड फॉरन पार्सल है उसे मैक्सिमम ऑफिस ऑफ डिलीवरी में कितने समय तक के लिए रखा जा सकता है। तो उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो है 7 डेज की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है कि लेटर पोस्ट आर्टिकल्स कंटेनिंग ड्यूटीबल गुड्स एड्रेस टू फॉरेन डेस्टिनेशन शुड बी अकंपनीड बाई, यानी कि बेसिकली ये जो लाइन है वो पी ओ गाइड पार्ट टू में लिखी हुई है कि लेटर पोस्ट के जो भी आर्टिकल्स हैं जो कि ड्यूटीबल गुड्स उनमें शामिल है, यानी कि लेटर पोस्ट आर्टिकल में क्या है उनमें ड्यूटीबल गुड्स हैं और वो कहाँ के लिए एड्रेस है, उसका जो एड्रेस है वो फॉरेन कंट्रीज के लिए है, तो उसके साथ साथ क्या अकंपनीड होना चाहिए, यानी कि उसके साथ साथ उसमें क्या संलग्न होना चाहिए, उसमें क्या शामिल होना चाहिए, तो उनके साथ में कस्टम डिक्लेरेशन जो फॉर्म उनमें अकंपनीड होने चाहिए या संलग्न होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और कस्टम ड्यूटी के डिक्लेरेशन फॉर्म है, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्रीन कस्टम्स लेबल जिसे C1 के नाम से जानते हैं, C1 के नाम से जानते हैं, उस फॉर्म का नाम होता है ग्रीन कस्टम्स लेबल, और एक फॉर्म होता है C2 के नाम से और या CP3 के नाम से, और इनको कहते हैं डिटेल्ड कस्टम्स लेबल। C2 या CP3 के नाम से जो फॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं डिटेल्ड कस्टम लेवल, यानी कि कस्टम डिक्लेरेशन के फॉर्म कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन से, C1 और C2 या CP3। C1, C2 या CP3, C1 का नाम क्या है ग्रीन कस्टम लेवल, और C2 या CP3 का क्या नाम, तो इसका नाम होगा डिटेल्ड कस्टम लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एट प्रिंटेड पेपर रेट इन फॉरेन पोस्ट, यानी कि फॉरेन जो प्रिंटेड पेपर के दरों पर फॉरेन पोस्ट के मामले में निम्न में से क्या ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग लास्ट जो पार्ट वन था उसमें भी प्रश्न था, लेकिन उसमें ऑप्शंस अलग थे और इसमें ऑप्शंस अलग हैं। तो फॉरेन पोस्ट के मामले में प्रिंटेड पेपर के रेट पर इम्प्रेशन ऑप्टेंड बाई मीन्स ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर, इन्हें तो हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, म्यूजिकल स्कोर्स को भी हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं इन मैन्युस्क्रिप्ट में, और फोटो कॉपीज को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन पेपर ऑप्टेंड बाई मीन्स ऑफ अ टाइप राइटर ऑफ एनी टाइप, इसे हम लोग प्रिंटेड पेपर के रेट में फॉरन पोस्ट के मामले में ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि मैक्सिमम वेट लिमिट क्या है स्मॉल पैकेट की फॉरन पोस्ट के मामले में, तो स्मॉल पैकेट्स के लिए जो सर्विस है स्मॉल पैकेट सर्विस फॉरन पोस्ट के मामले में मैक्सिमम वेट लिमिट की जो सीमा होती है वो होती है इसमें 1 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि द एनुअल फी फॉर इशू ऑफ अ परमिट टू यूज बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स एंड एनवलप्स इज, यानी कि बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स या उनके जो एनवलप्स हैं उनको अगर यूज करना हो यानी कि उन्हें जारी करवाना हो यानी कि उनकी परमिशन जारी करवानी है तो उनके लिए जो एनुअल फी है वो क्या लगती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 रुपये एनुअल फी लगती है अगर कोई परमिशन जारी करवाता है बिजनेस रिप्लाई कार्ड या एनवलप के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, 60 में पूछा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एन आर्टिकल इज कंपलसरी इफ इट इज पार्सल एक्सीडिंग इन वेट, यानी कि
ये है कि अगर कोई पार्सल है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा तब, जब उसका वजन 4 किलोग्राम से ज्यादा हो जाएगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। 4 किलोग्राम तक के जो पार्सल होते हैं, 4 किलोग्राम तक के जो पार्सल होते हैं वो अनरजिस्टर्ड पार्सल के रूप में भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन अगर इनका वजन 4 किलोग्राम से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो इनका रजिस्ट्रेशन करवाना ही होता है, यानी कि उन्हें एज ए रजिस्टर्ड ही हम लोग भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद। और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे, लगभग 60 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं, और जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो नेक्स्ट जो पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि पीयू गाइड पार्ट 2 से बन सकते हैं। पीयू गाइड पार्ट 2 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इस वीडियो को करते हैं इसी नोट पर एंड, ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद।